वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं पत्ता गोभी की सब्जी कैबेज करी। इसको बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स घर में जो इजीली अवेलेबल होते हैं उनसे बन जाती है। इसको आप चपाती, पराठा, पूरी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी के लिए आप मेरा वीडियो फॉलो करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें तो आपको न्यू रेसिपी के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। मेरी सब्जी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है, एक पत्ता गोभी का फूल मैंने कट कर लिया है ऐसे, इसको धो लिया है। एक कप हरी मटर, ये फ्रोजन मटर है, आप फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 लहसुन के टुकड़े बारीक कटे हुए, 1/2 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर। कुछ मसाले चाहिए हमें इसके लिए, 2 चम्मच हरी धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से, स्पाइस लेवल के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच गरम मसाला, ये हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। फिर हमें हींग चाहिए है, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई और कुछ मेथी दाना। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें फ्राई करने के लिए तेल, तो 2 टेबलस्पून तेल की जरूरत है। हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ले लीजिए, इसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड करिए, तेल गरम होने दीजिए। तेल गरम हो गया है, इसमें अब राई ऐड कर दीजिए। राई के साथ जो मेथी दाना है वो भी हम ऐड कर देंगे, जीरा अभी ऐड नहीं करेंगे। सेकंड्स के बाद हम इसमें जीरा भी ऐड कर देंगे, लगभग भुनी लगी है, इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे। इसी टाइम इसमें लहसुन भी ऐड कर दीजिए। हल्के से ब्राउन हो जाएंगे लहसुन, उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें प्याज ऐड कर दीजिए। अब प्याज को पकने दीजिए, ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे ये, हल्के से ट्रांसपेरेंट दिखने लगेंगे। अब प्याज को पकने दीजिए, थोड़े से हल्के ब्राउन हो जाएंगे ये, कम से कम 3-4 मिनट, बीच बीच में चलाते रहिए। प्याज हल्के से पक गए हैं, अभी पूरी तरह नहीं हुए, इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। इसी समय हम इसमें हींग भी डाल देंगे। मिक्स कर लीजिए सब। प्याज को और हरी मिर्च को पकने देते हैं। हो गए हैं, अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। अभी हम गरम मसाला नहीं डालेंगे, इसके अलावा सारे मसाले डाल देंगे। तो इसमें मैंने हल्दी, धनिया और मिर्च डालूंगी, बिल्कुल सिंपल सब्जी है। गरम मसाला हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। मिक्स कर लीजिए। अब इसी समय हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब इसको हम ढक के पकने देंगे। पत्ता गोभी जो कटी हुई है वो मिला दीजिए।
इसको ढक के आप 5 से 10 मिनट तक पकने दीजिए। फिर उसके बाद हम नमक और गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए। अब हम इस टाइम पे इसको 5 मिनट के बाद इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए। इसको फिर से 5 मिनट के लिए पकने दीजिए। इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देते हैं। एक बार मिक्स करने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। हमारी सब्जी बन गई है। पत्ता गोभी की सब्जी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी पक जाती है। गैस ऑफ कर दीजिए और इसमें आप ऊपर से हरा धनिया काट के डाल दीजिए। इसको मिक्स कर लीजिए। सब्जी बन के रेडी है, इसको आप सर्विंग बोल में निकाल लीजिए। तैयार है। इसको आप रोटी, पराठा, पूरी किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को हिट करें तो आपको मेरे न्यू रेसिपी के अपडेट्स मिलते रहेंगे।